द वॉचर्स के अंदर आज हम 800 साल पुरानी उस यहूदी भविष्यवाणी पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो आज हमारे समय में सन 2017 में आकर के पूरी हो चुकी है और यहूदियों के अंदर एक उत्साह उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। 800 साल पुरानी वो यहूदी भविष्यवाणी जो है वो सीधे तौर पर इस बात को हमको बताती है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Recognizing history, you have made history. The Temple Mount is in our hands. Violent protests continued in the Middle East today over President Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital. And now the official Sanhedrin in Israel declare President Trump is advancing a prophetic process that will usher in, when the time comes, the rebuilding of the Third Temple. सन 1217 में एक मशहूर यहूदी रब्बी जिनको यहूदा बेन सैमुएल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक भविष्यवाणी जो थी वो यहूदी जाति को प्रदान करी थी। और जब यहूदी जाति पूरी दुनिया के 100 देशों में तितर बितर होकर के रह रही थी, उस समय यहूदा बेन सैमुएल ने अपनी मृत्यु से पहले 500 सालों की एक भविष्यवाणी जो थी वो यहूदियों को प्रदान करी थी। और अपनी भविष्यवाणी में 1217 के अंदर अपनी मृत्यु से पहले यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात को बताया था कि 400 सालों तक जो तुर्क लोग जो होंगे, तुर्की देश के लोग जो होंगे, वो यरूशलेम के ऊपर अपने अधिकार को जमा करके रखेंगे। और जिस समय यहूदा बेन सैमुएल ने भविष्यवाणी करी थी, उस समय कोई तुर्की साम्राज्य जो है वो नहीं पाया जाता था। लेकिन 1217 में यहूदा बेन सैमुएल की मृत्यु के 300 सालों के बाद 1517 के अंदर वास्तव में ही जैसा यहूदा बेन सैमुएल ने भविष्यवाणी करी थी, तुर्क लोग जो थे उन्होंने यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया था और ऑटोमन तुर्की साम्राज्य जो था उसके अधिकार के अंदर यरूशलेम जो था वो चला गया था। और यहूदा बेन सैमुएल ने अपनी भविष्यवाणी में इस बात को बताया था कि 400 सालों तक तुर्की लोग जो होंगे वो यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार जमा करके रखेंगे और कोई भी उनके अधिकार से यरूशलेम को छीन नहीं पाएगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ था। 1517 में यरूशलेम तुर्कों के हाथ में आने के बाद से यरूशलेम जो था उसको कोई भी तुर्कों से नहीं छीन पाया था। लेकिन यहूदा बेन सैमुएल ने अपनी भविष्यवाणी में इस बात को भी बताया था कि 400 सालों के बाद तुर्कों को यरूशलेम से भगाया जाएगा। यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात को साफ साफ शब्दों के अंदर कहा था, बताया था कि तुर्कों को यरूशलेम में हराया नहीं जाएगा, लेकिन तुर्कों को यरूशलेम से भगाया जाएगा। और जैसा यहूदा बेन सैमुएल ने भविष्यवाणी करी थी, सही 400 सालों के बाद यानी 1517 में जब तुर्कों ने यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम किया, और सही 1917 में यानी कि 400 सालों के बाद अंग्रेजों की जो सेना थी, इंग्लैंड की जो सेना थी, उसने जा करके तुर्कों को ना केवल पूरी पवित्र भूमि में हरा दिया था, लेकिन यरूशलेम से उन्होंने तुर्कों को भगा दिया था, जैसा कि यहूदा बेन सैमुएल ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था।
और यहूदा बेन सैमुएल ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर कहा था कि 400 सालों के बाद जो अगले 50 साल होंगे उसमें यरूशलेम पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। यानी 1917 से 1967 तक के लिए यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात को कहा था कि उस समय उन 50 सालों में यरूशलेम पर किसी का भी राज्य नहीं होगा, शासन नहीं होगा। और हम देखते हैं कि 1917 से 1967 तक वास्तव में ही यरूशलेम किसी के भी अधिकार में नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के हाथ में यरूशलेम आने के बाद यरूशलेम के ऊपर ब्रिटिश मैंडेट लग गया था और किसी का भी शासन जो था वो यरूशलेम के ऊपर नहीं माना जाता था। लेकिन रब्बी यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात को कहा था कि 1967 के बाद जो 50 साल होंगे, यानी कि 2017 तक जो 50 साल होंगे 1967 के बाद, 2017 के लिए उन्होंने कहा था कि वहां से मसीह के दिनों की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और इसीलिए 2017 जैसे ही 2017 का वर्ष आया, वैसे ही यहूदियों के अंदर खुशी की लहर जो थी वो दौड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि 800 साल पुरानी रब्बी यहूदा बेन सैमुएल की भविष्यवाणी जो थी वो अपने पूरे होने के कगार तक पहुंच चुकी थी। और इसीलिए 2017 के लिए पहले से ही यहूदी रब्बियों में ये माना जा रहा था कि 2017 में यरूशलेम के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि रब्बी यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात के संकेत पहले से ही प्रदान कर दिए थे। और वास्तव में ही 2017 में यरूशलेम के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो 2017 के अंदर घटित हुई थी, जो 2000 सालों में कभी भी घटित नहीं हुई। जब 6 दिसंबर 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था। 2000 सालों के अंदर जो नहीं हुआ, पहली बार 2000 सालों में यरूशलेम जो है वो इजराइल के अधिकार के अंदर आ गया। इजराइल की राजधानी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के द्वारा घोषित किया गया। रब्बी यहूदा बेन सैमुएल ने 800 साल पुरानी अपनी इस भविष्यवाणी में इस बात को साफ साफ शब्दों के अंदर बताया था कि 2017 से मसीह के अंत के दिनों की शुरुआत हो जाएगी। रब्बी यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात को नहीं कहा था कि 2017 में मसीह आ जाएगा, लेकिन रब्बी यहूदा बेन सैमुएल ने इस बात को कहा था कि 2017 के बाद कभी भी मसीह का आगमन जो है संसार में आ जाएगा। मसीह के अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो 2017 से हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वास्तव में एक एक्साइटेड टाइम जो है वो 2017 से हमारे लिए शुरू हो चुका है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि रब्बी यहूदा बेन सैमुएल की 800 साल पुरानी भविष्यवाणी जो है वो बिल्कुल सटीक रूप से 2017 में आकर के पूरी हो चुकी है। ये बहुत ही एक्साइटेड टाइम है जिसमें आज हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब भविष्यवाणियां अनफोल्ड हो रही हैं, बाइबल की भविष्यवाणियां अनफोल्ड हो रही हैं। अब समय आ गया है कि इन अंत के दिनों को हम गंभीरता के साथ समझें और अपने आत्मिक जीवन को हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना शुरू कर दें।